Hello everyone, welcome to today's session. Today we have special speaker Dr. Amit Ashok Chauhan, MD in Panchkarma, currently working as associate professor at BIMT Ayurved College, Navi Mumbai. He is recognized PG teacher for MD Panchkarma and fellowship coordinator at BIMT Ayurved College, Navi Mumbai. His area of interest is skin diseases, on which he has already published many research papers. And today's topic is Sweden therapy, different modalities in clinical practice. Welcome to Dr. Amit, and over to Dr. Amit. Thank you, madam. Thank you for introducing me in today's session of New York Street. Are my slides visible now? Yes, yes. No. Slides are not visible. Yes, Dr. Amit, can we start? Yes, madam, we'll start now. So thank you, madam, for the introduction. My today's topic of presentation is Sweden therapy, different modalities in clinical practice. As we all know, what is Sweden? Sweden is included as an Purva Karma in Panchakarma. So my presentation will include today a brief importance of Sweden. उसके बाद उसकी definition क्या है, Sweden के प्रकार क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे. फिर जनरल इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, फिर डिफरेंट मॉडलिटीज हम लोग प्रैक्टिस में क्या कौन कौन से यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, फिर उसका प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन और कंक्लूजन. ये सब मेरे प्रेजेंटेशन में होने वाला है. तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि स्वेदन जो है ये प्रधान कर्म में इसका उपयोग नहीं बोला गया है, यह एज ए पूर्व कर्म बताया गया है पंचकर्म के पहले. कई कई जगह पे इसको प्रधान कर्म भी यूज करते हैं, क्योंकि यह जो है षडविध उपक्रम में भी इसका उल्लेख आया है. तो इसको षडविध उपक्रम में जो है स्नेहन स्वेदन रुक्षण स्तंभन भ्रुवण लंगन, इसमें जो है वो स्वेदन ऐसे प्रधान कर्म हम लोग यूज कर सकते हैं. तीसरा आता है पश्चात स्वेद. पश्चात स्वेद जो है जैसे कि शल्य अपहरित या मूढ़ गर्भ या सुप्रजाता में, जैसे कि कोई भी फॉरेन बॉडी या कोई भी शल्य निर्हरण करने के पश्चात हम लोग स्वेदन कर्म कर सकते हैं, वैसे ही मूढ़ गर्भ में स्वेदन कर्म करने के लिए बोला है और सुप्रजाता में भी स्वेदन का उल्लेख किया गया है. इसकी डेफिनेशन जो है मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी आवाज आ रही है, स्लाइड्स भी दिख रही है. इसकी डेफिनेशन जो है कि स्वेदनम स्तंभ गौरव शीतगणम स्वेदनम स्वेद कारकम, जिससे शरीर में स्तंभ गौरव और शैत्य का नाश होता है उसको स्वेदन कहलाते हैं. ये पूर्व कर्म में भी इसका इस्तेमाल किया है. ये थोड़ा फॉन्ट्स का इसका दिक्कत है इसलिए नहीं दिख पा रही है. आज पूर्व कर्म में जैसे बोला गया है कि स्नेहन स्वेदन करना जरूरी रहता है ताकि दोष शाखा से कोष्ठ में आ जाए, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. स्नेहन से दोषों की वृद्धि होती है और विषंदन होता है, और स्वेदन से दोषों का उष्णता से उसका विलयन होकर दोष शाखा से कोष्ठ में आने के लिए मदद होती है. इसलिए शाखा कोष्ठ गति करना ये स्वेदन का एक मुख्य कर्म बोला गया है. नेक्स्ट है जो कि स्वेदन एज प्रधान कर्म जो बोला गया है. कई कई वैद्यों में जैसे कि षडविध उपक्रम जो बोले गए हैं उसमें हम लोग स्वेदन करके भी उसमें चिकित्सा में उपशम ला सकते हैं. और स्वेदन की प्रधान कर्म की व्याख्या जो है उसमें बोला है कि व्याधि नाश उपशम शरीर लघुता त्वक मार्दव, ये सब फलश्रुति, ये सभी जो कुछ भी बेनिफिट्स है स्वेदन के ये हमें मिलते हैं वहां पे. जैसे कि हम लोगों ने पता है कि षड उपक्रमों में स्वेदन का उल्लेख किया गया है. षड उपक्रम जो है उसको हम लोग दो
कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि संतर्पण हो और अपतर्पण है। संतर्पण कैटेगरी में गृहण, स्नेहन और स्तंभन आता है, और जो स्वेदन है उपक्रम वो अपतर्पण कैटेगरी में आता है। यही स्वेदन जो है, अगर रुक्ष द्रव्यों का सहयोग से अगर हम लोग स्वेदन कराते हैं तो अपतर्पण कराने वाला होता है, और यही स्वेदन जो है वो स्निग्ध द्रव्यों से अगर किया जाता है तो संतर्पण कराने वाला रहता है। अपतर्पण स्वेद जो है या रुक्ष स्वेद जो है वो हम लोग ज्यादातर के वात कफज अवस्थाओं में इसका उपयोग करने के लिए बोला गया है, जैसे कि आमवात है, मेदो रोग है, या कफ संसृष्ट अवस्था जहां पे है उसमें रुक्ष स्वेद का वर्णन किया गया है। स्निग्ध स्वेदों का उल्लेख वात पित्त जहां पे अवस्था है या धातु क्षयजन्य संप्राप्ति है ऐसी अवस्थाओं में स्निग्ध स्वेद का उपयोग करने के लिए कहा गया है। ये बेसिकली डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन के बारे में हुआ। स्वेदन के टाइप जो है, ग्रंथोक्त सुश्रुत और वाग्भट ने चार प्रकार के स्वेदन बोले हैं, तापस्वेद, उष्मस्वेद, द्रवस्वेद और उपनहस्वेद। चरक ने 13 प्रकार के स्वेद बोले हैं। काश्यप संहिता में भी 8 प्रकार के स्वेदन का वर्णन किया गया है, जैसे कि हस्तस्वेद, प्रदेह स्वेद, नाड़ी स्वेद, संकर स्वेद, प्रस्तर, उपनह, अवघार और परिषेक। इसमें से हस्तस्वेद जो है ये ज्यादातर के बालकों में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। चरक संहिता में अग्निस्वेद और निराग्निस्वेद करके भेद बोले गए हैं। अग्निस्वेद के कुल 13 भेद बोले गए हैं, उसमें संकर, प्रस्तर, नाड़ी, परिषेक, अवगाह, जयंता, अश्मग्न, करशु, कुटी, भूस्वेद, कुंभिस्वेद, कुपस्वेद और होलाक्स्वेद, इन सभी चीजों का वर्णन किया गया है। इसमें से प्रैक्टिकली यूजफुल जो रहते हैं, जैसे कि संकर स्वेद है तो पिंड स्वेद हम लोग आमतौर से क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे के प्रेजेंटेशन में देखने वाले हैं। नाड़ी स्वेद है, परिषेक स्वेद है, अवगाह स्वेद है, ये सभी हम लोग ओपीडी बेसिस पे हो या आईपीडी बेसिस पे हम लोग इसका उपयोग करते हैं। निराग्निस्वेद, निराग्निस्वेद मतलब जिसमें अग्नि का संपर्क डायरेक्टली नहीं होता है उसको निराग्निस्वेद बोलते हैं। इसमें व्यायाम, उष्ण स्वेदन, गुरु प्रावरण, शुदा, बहुपान, भय, क्रोध, उपनाह, आहव और आतप, इन 10 चीजों का वर्णन किया गया है। निराग्निस्वेद में क्या होता है कि इसमें अगर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है हीट का या वेपर्स का, तो भी इसका कंसेप्ट जो होता है निराग्निस्वेद से शरीर के अंदर जो उष्णता रहती है या हीट प्रोडक्शन जो रहता है वो अंदरूनी तरफ से इसको हीट प्रोड्यूस करना रहता है, या जो हीट प्रोडक्शन हो रहा है या हीट लॉस जो हो रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट करना रहता है, उसको निराग्निस्वेद ऐसा बोला गया है। व्यायाम मतलब एक्सरसाइजेस से इंटरनल हीट प्रोडक्शन होता है। उष्ण सदन मतलब रिसाइडिंग इन वार्म चैम्बर्स, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में देखा जाता है कि हर एक घर में उनके एक फायर चैम्बर रहता है, क्योंकि वहां का तापमान जो है काफी शैत्य रहता है, इसलिए उसमें प्राकृतता है वार्म चैम्बर्स रहते हैं। गुरु प्रावरण मतलब कवरिंग हेवी और वुलन क्लॉथ्स, जिससे कि जाड़ा कंबल है वो अपने शरीर पर उसको प्रावरण करना है, ताकि शरीर के अंदर की जो उष्णता है वो बाहर ना निकले, वो हीट जो है वो अंदर ही रहे और उससे स्वेदन प्रयुक्त हो, इसलिए गुरु प्रावरण का भी निराग्निस्वेद में उपयोग किया है। शुदा है हंगर, बहुत देर से भूखे रहने से भी हीट प्रोडक्शन बढ़ता है शरीर में। भूपान है एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, उसकी वजह से भी एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होता है, उससे स्वेदन होता है शरीर का। भय एक्सेसिव फियर, ये भी एड्रेनलिन सिक्रीशन जो होता है उसकी वजह से हीट प्रोडक्शन होता है। उपना है उसको पोल्टिस बोलते हैं बोली भाषा में, इसका भी उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि शरीर में अंदरूनी उष्णता या हीट प्रोड्यूस हो और उससे शरीर में स्वेदन हो। क्रोध है, अहाव है और आतप सेवन, आतप सेवन जो है एक्सपोजर टू डायरेक्ट सनराइज, इससे भी निराग्निस्वेदन होता है। निराग्निस्वेद जो है ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो कफ मैदान भी तो वायो हो निवात, जो जो कफ और मेद प्रदान अवस्था जो है इसमें निराग्निस्वेद का उपयोग किया गया है।
जहाँ पे कफ का आवरण है और मेद का आवरण है, ऐसे अवस्थाओं में भी निराग्नि स्वेद का वर्णन किया है। इसमें भी जो 10 प्रकार है वो चरक के जैसे ही है, आतप, गुरु प्रावरण, नियुद्ध मतलब युद्ध करना, व्यायाम इत्यादि, ये सभी चरक ने भी बताए गए हैं। इसी का हम लोग प्रकार भेद से कर सकते हैं कि द्वंद्व स्वेद है उसके अकॉर्डिंगली, अगर अग्नि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें साग्नि स्वेद, अग्नि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसको निराग्नि स्वेद। प्रॉपर्टीज ऑफ स्वेदन मतलब जो स्वेदन द्रव्य स्निग्ध है या रुक्ष है उसके अकॉर्डिंगली उसके दो भेद बोले गए हैं, स्निग्ध स्वेद और रुक्ष स्वेद। साइट ऑफ स्वेद मतलब कौन से स्थान पे हम लोग स्वेदन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी एकांग स्वेद और सर्वांग स्वेद बोला गया है। कर्म ऑफ स्वेद मतलब स्वेदन से शरीर में क्या कर्मकत्व हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली भी संशोधन स्वेद और संशमन स्वेद, ऐसे उसके प्रकार बोले गए हैं। संशमन स्वेद मतलब व्याधि का उपशम करने के लिए या लक्षणों का उपशम करने के लिए जो स्वेदन इस्तेमाल करते हैं उसको संशमन स्वेद बोलते हैं। और संशोधन स्वेद मतलब जो शोधन के पूर्व मतलब जब वमन है विरेचन है उसके पहले जो स्नेहन स्वेदन इस्तेमाल करते हैं उसको संशोधन स्वेद कहा गया है। त्रिविध स्वेद, त्रिविध स्वेद का वर्णन है, उसमें भी रुक्ष स्वेद, स्निग्ध स्वेद या स्निग्ध रुक्ष स्वेद ऐसा भी उसके विभाजन किया गया है। और अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ स्वेद उसको मृदु स्वेद, मध्यम स्वेद और महान स्वेद ऐसा उसका विभाजन किया गया है। मृदु स्वेद जो है वो बेसिकली वंक्षण प्रदेश में देने के लिए बोला, मृदु स्वेद जो है वो हृदय नेत्र इन स्थानों में देने के लिए बोला गया है, और मध्यम स्वेद जो है वो वंक्षण प्रदेश में देने के लिए बोला गया, और महान स्वेद जो है वो सभी शाखाओं में और सभी जो पृष्ठ अवयव है उन सभी जगहों पे महान स्वेद देने का वर्णन किया है। नेक्स्ट है चतुर्विध स्वेद, चतुर्विध स्वेद जो जैसे बोला कि सुश्रुत और वाग्भट में जो वर्णन किया है, ताप स्वेद, उष्म स्वेद, उपनाह स्वेद और द्रव स्वेद। ताप स्वेद जो है ये माइल्ड फोमेंटेशन ऐसे फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ताप स्वेद में हम लोग हीटिंग पैड या हॉट वाटर बैग या कपड़े का इस्तेमाल करके उससे सिकाई करते हैं उसको ताप स्वेद बोलते हैं। ताप स्वेद में जो द्रव्य हम इस्तेमाल करते हैं उसका टेम्परेचर जो रहता है वो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 28-32 डिग्रीज के अराउंड रहता है। नेक्स्ट आता है उपनाह स्वेद, उपनाह स्वेद मतलब पोल्टीज बांधना, जैसे कुछ कुछ जो वातावरण द्रव्य है उनका लेप करके उसको एरेंड पत्ते हैं या आर्क पत्तों के सहाय से उसको बांध दिया जाता है उसको उपनाह स्वेद बोलते हैं। उसका टेम्परेचर जो है वो जो द्रव्य इस्तेमाल करते हैं उसका टेम्परेचर जो है वो 32-36 डिग्रीज तक रखने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट आता है द्रव स्वेद, द्रव स्वेद मतलब शरीर के जो अवयव है जहाँ पे स्वेदन करना है उस पर एक प्रकार की धारा छोड़ना है, जो अगर एकांग रहती है या सर्वांग रहती है तो उसको पिजिनशील ऐसा बोला गया है। तो ये सब द्रव स्वेद में आता है। इसमें जो द्रव्य यूज करते हैं इसका तापमान जो रहता है ये 36-40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। नेक्स्ट आता है उष्म स्वेद, उष्म स्वेद इसको बाष्प स्वेद भी कहा गया है। इसमें सर्वांग को स्वेदन दिया जाता है। इसका टेम्परेचर जो रहता है इसका जो वेपर्स आते हैं या जो द्रव्यों से काढ़ा का जो वेपर्स आते हैं इसका टेम्परेचर जो है वो 40-44 डिग्रीज के अराउंड रहता है ताकि अच्छी तरह से स्वेदन हो पाए। इसके इंडिकेशन जो है और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मतलब इसके अहर्ता और अनहर्ता संहिताओं में जो दी गई है उसको हम लोग स्रोतों के अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड करके हम लोग देख सकते हैं। प्राण व स्रोतों के विकार में जैसे कि प्रतीक्षाएं है, कास है, श्वास है, इक्का है, ऐसे अवस्थाओं में स्वेदन देने के लिए बोला गया है। इसमें ज्यादातर के नाड़ी है, संकर स्वेद इसका इस्तेमाल किया जाता है। मूत्र व स्रोतों के विकार है जैसे कि मूत्राघात है, मूत्राकृच है, इसमें भी अवगाह स्वेद इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग। आम दोष है इसमें अलसक, विसूचिका, ऐसे व्याधियों में भी स्वेदन करने के लिए बोला है। इसमें हम लोग नाड़ी स्वेद दे सकते हैं, बाष्प स्वेद दे सकते हैं, नहीं तो निराग्नि स्वेद के जो प्रकार जो बोले गए हैं जैसे कि शुदा है, जैसे उपवास करना है वो टाइप का इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वात व्याधि जैसे कि जहाँ कई भी शूल है
ऐसे अवस्थाओं में इस वेदन का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कर्ण मन्याशूल है, शिरशूल है, वात व्याधियों में अर्दित है, पक्षाघात है, वात कंटक है, संधिगत वात है, खल्ली है, एकांग सर्वांग वात है, गुरुद्रसी है, ऐसी अवस्थाओं में स्वेदन का उपयोग किया जाता है। और जो वात कफ दोषानुबंध जो जो भी कई लक्षण होते हैं या जो जो कोई व्याधि उत्पन्न होते हैं ऐसी अवस्थाओं में स्वेदन का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पार्श्वपृष्ठ कटिग्रह है, गलग्रह है, ऐसी अवस्थाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर स्पेशल इंडिकेशंस देखेंगे कि तापस्वेद है, उष्मस्वेद है, ये कौन कौन से व्याधियों में या कौन कौन से दोषों के अनुबंध में इसका उपयोग किया जा सकता है, तो उसका रेफरेंस जो है वो सुश्रुत चिकित्सा स्थान 32 अध्याय में इसका संदर्भ मिलता है कि तापस्वेद जो है वो कफज रोगों में इस्तेमाल करना चाहिए, उष्मस्वेद जो है वो भी कफ रोगों में इसका उपयोग करना चाहिए, द्रवस्वेद जो है वो पित्तानुबंधी वात रोगों में इसका उपयोग करना चाहिए, उपनहास्वेद जो है वो वात रोगों में जहाँ पे केवल वातज विकार है, केवल वात दोष का ही प्राबल्य है, ऐसे अवस्थाओं में उपनहा का उपयोग करना चाहिए, और निराग्निस्वेद का उपयोग कफ मेधावृत्त वात रोगों में इसका उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू पर्सन बोले गए हैं कि जो नित्य मद्य सेवन करने वाले हैं, गर्भिणी है, पित्त प्रकृति, ऐसे व्यक्तियों में स्वेदन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वेदन की प्रॉपर्टी जो है वो उष्ण तीक्ष्ण होती है, तो उससे और पित्त का प्रकोप हो सकता है, इसलिए इन व्यक्तियों में स्वेदन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पित्तज व्याधियां है जैसे कि रक्तपित्त है, दग्ध पित्तमेह है, तृष्णा शुदा कामला, ऐसे अवस्थाओं में भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। त्वक विकार जैसे कि कुष्ठ है, इसमें भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, अगर इसका उपयोग करते हैं तो उसमें क्लेद है या कोत की उत्पत्ति ज्यादा होती है, इसलिए कुष्ठ में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। धातु क्षयात्मक अवस्था जैसे है, उसमें अति दुर्बलता है, ओजन गई है, जैसे कि मधुमेह है, उदरपोष है, विष्ठ विकार है, स्थूलता है और उदर है, इसके विकारों में भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि क्लिनिकल यूटिलिटी ऑफ स्वेदन। ये हम लोगों ने थ्योरेटिकल थोड़ा पार्ट देखा, आगे चल के हम लोग प्रैक्टिस में हम लोग कहाँ कहाँ पे स्वेदन का उपयोग कर सकते हैं ये इसमें बताऊंगा कि स्वेदन जो है हम लोग पूर्व कर्म के लिए यूज करते हैं या प्रधान कर्म के लिए यूज करते हैं। पूर्व कर्म में शोधन के पूर्व जैसे कि वमन विरेचन कराना है तो उसके पहले स्नेह स्वेदन कराते हैं, और प्रधान कर्म जैसे कि वात व्याधि है जिसमें हम लोग पत्र गुठली करते हैं, षष्ठीशाली पिंड स्वेद करते हैं या नाड़ी स्वेद है, बाष्प स्वेद करते हैं, ये सभी प्रधान कर्म में आता है। उसी के अग्नि निराग्नि स्वेद से भी भेद होते हैं, उसी के कौन से द्रव्य उसमें हम लोग उपयोगी में ला रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली स्निग्ध स्वेद है जैसे कि षष्ठीशाली पिंड स्वेद है या रुक्ष स्वेद है जैसे कि वालुका पुटली स्वेद है, उसका उपयोग लाते हैं। दूसरा है सार्वदेहिक है या स्थानिक है, मतलब सर्वांग स्वेदन करना है या स्थानिक स्वेदन करना है, जैसे कि हस्त स्वेद है या ओनली पृष्ठ स्वेद है या कटी स्वेद, अकॉर्डिंगली उसके। फिर सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक स्वेद एंड सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक ड्रग, वो अकॉर्डिंग टू दोषानुबंध हम लोग डिसाइड करते हैं। स्वेदन और पूर्व कर्म कहाँ पे आता है, जैसे कि देखा सर्वांग बाष्प स्वेद वमन उपवेशन के पूर्व, सर्वांग और स्थानिक स्वेद बस्ती नस्य सिरावेद के पहले भी कराया जाता है, निराग्नि स्वेद उरुस्तंभ स्थौल्य ऐसे अवस्थाओं में भी इसका उपयोग करते हैं। स्वेदन आज प्रधान कर्म, मतलब प्रधान कर्म में हम लोग स्वेदन का कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं वो है, अगर वृक्ष स्वेद करते हैं, संकर स्वेद है, पोर्टली स्वेद है, उसी को पर्याय नाम पिंड स्वेद ऐसा भी बोला गया है। वृक्ष स्वेद में हम लोग आज यहाँ पे चूर्ण पिंड स्वेद, आलोका पिंड स्वेद और लवण पिंड स्वेद ये देखने वाले हैं, और स्निग्ध स्वेद में पत्र पोटली स्वेद, षष्टिकशाली पिंड स्वेद, मांस या मांस पिंड स्वेद या कुकुट अंड स्वेद ये चीजें देखने वाले हैं। इसका क्लिनिकल अप्रोच क्या होना चाहिए कि वृक्ष स्वेद कहाँ पे यूज करना है और स्निग्ध स्वेद कहाँ पे यूज करना है, इसके कुछ अवस्थाएं कंडीशंस मैंने यहाँ पे दिखाई है। वृक्ष स्वेद जो है वो आम युक्त अवस्था में
कफ संसृष्ट अवस्था में या कफावृत अवस्था में, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जहाँ पे है, ऐसी अवस्थाओं में इसका उपयोग करना है। अम्बात जैसे विकार है, वात कफज मन्य स्तंभ है, गुरुद्रसी है वात कफज, उपस्तंभित संधिगत वात है, उरुस्तंभ है, ऐसे व्याधियों में वृक्ष स्वेद का उपयोग करना चाहिए। स्निग्ध स्वेद में जो है वो निराम अवस्थाओं में, वात प्रधान अवस्था में, नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, धातुक्षयजन्य संधिगत वात विकार है, कर्मक्षयजन्य वात व्याधि है, पक्षाघात है, आर्दित है, कटिशूल है, कंपवात है, इन सभी विकारों में इसका उपयोग करने का संदर्भ मिलता है। उसमें से हम लोग चूर्ण पिंड स्वेद अभी देखते हैं। चूर्ण पिंड स्वेद क्या होता है कि ये पिंड स्वेद जो है, ये सभी जो है, पिंड का मतलब है कि गोला तैयार करना या बोलस तैयार करना, ये पिंड स्वेद का उसकी व्याख्या कही गई है। उसमें हम लोग कौन सा द्रव्य इस्तेमाल कर उपयोग में लाते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसका नाम दिया जाता है। चूर्ण पिंड स्वेद में चूर्ण, विविध द्रव्यों के चूर्ण का उपयोग किया जाता है, इसलिए उसको चूर्ण पिंड स्वेद बोला गया है। यह स्निग्ध भी हो सकता है और वृक्ष भी हो सकता है। यह वृक्ष जो रहता है इसमें खाली चूर्ण का ही उपयोग करके उसको शरीर पे स्वेदन कराया जाता है, और जहां पे स्निग्ध चूर्ण पिंड स्वेद कराया जाता है उसमें पहले पूरे शरीर को तेल से अभ्यंग कराते हैं और उसके बाद चूर्ण पिंड स्वेद कराते हैं। चूर्ण पिंड स्वेद का उपयोग जो है यह एक्यूट फेजिस ऑफ रूमेटिक फीवर जहाँ पे है, आम ज्वर है, कफ डोमिनेंट कंडीशन जहाँ पे है, जैसे कि कफानुबंद संधिगत वात ऐसी अवस्था है, उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। बहुत सारे चूर्णों का वर्णन किया है, बहुत सारे चूर्ण के संदर्भ मिलते हैं। उसमें जो कुछ चूर्ण यहाँ पे लिए हैं जो हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं, कोट्टम चुक्कादि चूर्ण जो है, ये जहाँ पे शूल और श्रोत प्रधान अवस्था है, वात कफज दोष का अनुबंध है, इसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। जटामायादि चूर्ण जो है वो वात रक्त है, या जहाँ पे दहा प्रधान अवस्था है, वात वैतिक अवस्था है, इसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। रासनादि चूर्ण जो है इसका उपयोग जो है जहाँ पे श्रोत प्रधान अवस्था है, संधियों में या स्पाइन डिसऑर्डर्स में, इसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। कुलत्थादि चूर्ण जो है वो शूल है, ग्रह है, कफ दोष अनुबंध जहाँ पे है उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। नागरादि चूर्ण जो है वो शूल शोत प्रदान जो वात दोष की वजह से है उसमें इसका उपयोग करने के लिए संदर्भ आया है। दशांग चूर्ण जो है जो जिसमें शूल है और शोत दहा प्रदान जहाँ पे अवस्था है, शोत प्रदान अवस्था है, या विष प्रयोग जन्य जहाँ पे शोत उत्पत्ति होती है, ऐसी अवस्थाओं में दशांग चूर्ण पिंड स्वेद या दशांग चूर्ण का लेप कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है वालू का बोटली स्वेद, जो हम लोग प्रैक्टिकली ज्यादातर यूज करते हैं। वालू का बोटली स्वेद हम लोग आमवात अधिकार में जो संदर्भ आया है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आमवात में ही इस्तेमाल करते हैं। उससे आगे भी हम लोग कफानुबंध वात व्याधि जहाँ पे है ऐसी अवस्थाओं में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि कफ ज्वर है, तमक श्वास की अवस्था है, कफवातश कास है या विसूचिका है, ऐसी अवस्थाओं में भी वालू का पोटली का स्वेद वर्णन किया गया है। यह सबसे इकोनॉमिकल एंड मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ये है। ये हम लोग रुग्ण को घर पे भी करने के लिए बोल सकते हैं उसको प्रॉपर गाइडेंस देके। नेक्स्ट आता है लवण पिंड स्वेद। लवण पिंड स्वेद जो है इसमें सैंधव लवण का कोर्स फॉर्म में, मतलब जो भरड़ फॉर्म में रहता है, उसका उपयोग किया जाता है। ये कॉमनली यूज्ड इन आमवात है और पेनफुल कंडीशन जहाँ पे रहते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसका भी उपयोग तब तक करना चाहिए जब तक ग्रह प्रधान जो अवस्था है वो कम ना हो और श्रोत प्रधान अवस्था जो है वो कम ना हो, तब तक इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है पत्र पिंड स्वेद। ये यहाँ तक जो देखा हम लोगों ने चूर्ण पिंड स्वेद, वालू का पोटली स्वेद, लवण पिंड स्वेद, ये सभी वृक्ष स्वेद के अंतर्गत आते हैं। पत्र पिंड स्वेद जो है इसमें बहुत सारे वनस्पतियों के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, इसका बोलस फॉर्म करके इसका शरीर पे स्वेदन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पत्ते जो रहते हैं, इसमें निर्गुंडी के पत्ते रहते हैं, चिंसा पत्र रहते हैं, अर्क पत्र रहते हैं,
एरंडा के पत्ते रहते हैं, करंज, शिग्रू, वरुण, वासा, सहचर और निम्ब के पत्ते रहते हैं। ये बेसिकली जहाँ पे वेदना प्रधान या शूल प्रधान वात व्याधि जहाँ पे रहते हैं ऐसी अवस्थाओं में इसका उपयोग किया जाता है। कफ संसृष्ट वात व्याधि जहाँ पे रहती है इसमें इसका उपयोग किया जाता है। मन्याशूल हो, कटिशूल हो, इसमें इसका उपयोग बोला गया है। जहाँ पे शूल है इंटरवर्टिबल डिस्क प्रोडक्ट्स की वजह से या पैरास्पाइनल मसल स्पैज़म जहाँ पे है ऐसे अवस्थाओं में इसका उपयोग करने के लिए संदर्भ दिखाई देते हैं। इसमें से जो निम्ब पत्र है उसका इस्तेमाल हम लोग निम्ब पत्र पिंडस्वेट का इस्तेमाल या इसका उपयोग हम लोग स्किन कंडीशंस में भी कर सकते हैं। स्किन के जो कुष्ठ के बहुत सारे विकार हैं जैसे कि विपादिका है या विचर्चिका है उसमें हम लोग निम्ब पत्र पिंडस्वेट का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है षष्टिशाली पिंडस्वेद, इसी को केरले ट्रेडिशंस में नवर कीजी बोला गया है। षष्टिशाली जो है मतलब 60 दिन में जो पकाया उगाया जाता है उस राइस को षष्टिशाली ऐसा बोलते हैं। इसमें यह षष्टिशाली जो है यह षष्टी जो है उसके गुण जो रहते हैं वो स्निग्ध रहता है, गुरु होता है, स्थिर होता है, शीत और त्रिदोषगण रहता है। इसी वजह से ये जो स्वेदन कर्म का कर्मकत्व रहता है यह गुणवान गुणात्मक रहता है, इसलिए यह संतर्पण कार्य करने वाला रहता है। तो जहां जहां पे धातुक्षय जन्य अवस्था है, धातुक्षय प्रधान वात व्याधि है ऐसी अवस्थाओं में षष्टिशाली पिंडस्वेद का उपयोग किया जाता है। इसमें स्क्वीजिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। जो बोलस है षष्टिशाली का उसको रगड़ के मसल के उसके अंदर का जो षष्टिशाली का जो लेयर है वो बाहर आना चाहिए और उसके बाद वो शरीर के ऊपर उसका लेपन होना चाहिए। जो आपको फोटो में दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली जब तक उसका लेपन नहीं होता तब तक वो करते रहना चाहिए। इसके फोटो है कि कुक्ड राइस मतलब जिसको पकाया गया राइस है और इसमें जो शीरपाक बनाते हैं उसमें बलामूल क्वात लेते हैं, उसमें वैद्यों के अवस्था अनुरूप हम लोग उसमें द्रव्य का बदल कर सकते हैं। जैसे कि अश्वगंधा है, कपिकच्छू है, देवदार है, एरंडमूल है, इसका भी शीरपाक में इसका हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। इसके इंडिकेशन जो है ये निरुपस्तंभित वात व्याधियों में मांस शोष, संधिगत वात, पक्षाघात, अर्धित ऐसे विकारों में इसका उपयोग कर सकते हैं। डिजेनरेटिव कंडीशन जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मायल्जिया है, जीबी सिंड्रोम है, इसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं। न्यूरोमस्कुलर और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जो है जैसे कि हेमिप्लेजिया है, पैराप्लेजिया है, पक्षाघात है, कंजेनिटल स्पास्टिक पैरालिसिस जो है, सुडा हाइपरट्रॉफिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जहाँ पे मांस शोष ऐसी अवस्था देखने को मिलती है, ऐसे अवस्थाओं में भी इसका उपयोग करने का वर्णन किया गया है। सेरेब्रल पाल्सी है ऐसी अवस्थाओं में भी इसका उपयोग बोला गया है। इसी का एक वेरिड फॉर्म जो केरले ट्रेडिशंस में यूज करते हैं उसको कुकुटंड पिंडस्वेद बोलते हैं। इसमें एक योग मतलब जो पीला पार्ट रहता है अंडे का उसका उपयोग किया जाता है और इसका बोलस फॉर्म करके उसका पिंडस्वेद करते हैं। उसके साथ एक योग के साथ उसमें हरिद्रा रहता है, सैंदव रहता है, इसका उपयोग करके उसको पिंडस्वेद में करते हैं। जो व्हाइट पार्ट रहता है अंडे का उसका भी पाउडर बना के उसको भी अस्थिक्षय जहाँ पे है ऐसी अवस्थाओं में भी इसका पिंडस्वेद में उपयोग में लाया जाता है। इसके इंडिकेशन जो है वो बेसिकली अर्धित है, अवबाहुक है, मन्यास्तंभ है, संधिगत वात है और अस्थिभग्न है। जहाँ जहाँ पे वात प्रधान अवस्था है, शोषजन्य या क्षयजन्य अवस्था है इसमें इसका उपयोग करने के लिए वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है जंबीर पिंडस्वेद, ये भी एक स्निग्ध स्वेद का ही और थोड़ा सा स्निग्ध रुक्ष ऐसे टाइप में आने वाला यह स्वेदन है। इसमें जंबीर जिसको हम लोग ईड लिंबू मराठी में बोलते हैं, इसको साइट्रस लेमन बोला गया है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका उपयोग करते हैं। इसके साथ में है उसमें मेथी का, शतपुष्पा, लहसुन, हरिद्रा, सैंदव और तेल जो अकॉर्डिंग टू व्याधि हम लोग चेंज कर सकते हैं, नहीं तो इसमें उसको भर्जित करने के लिए हमेशा एरेंडल स्नेह का इसका उपयोग किया जाता है। इसमें जंबीर पिंडस्वेद जो है वो ज्यादातर अवबाहुक में
पक्षाघात में कटिग्रह ग्रीवाग्रह और सन्निगत वात जहाँ पे वात कफ का अनुबंध है या उपस्तंभित वात व्याधि है ऐसी अवस्थाओं में जंभीर पिंड स्वेद का उपयोग करने के लिए बोला गया है। यही पिंड स्वेद जो है इसके हम लोग अगर टाइप्स देखेंगे अपतर्पण से तर्पण संतर्पण करने वाले जो है इसमें सबसे रुक्ष स्वेद जो है वो सबसे रुक्ष स्वेद है वो वालू का स्वेद होता है। उसके बाद जो आता है वो चूर्ण स्वेद रहता है। स्निग्ध रुक्ष कैटेगरी में ये जो बीच के दो है वो आते हैं कि जंभीर पिंड स्वेद है धान्याम्ल पिंड स्वेद है पत्र पिंड स्वेद है ये सब चीजें जो है वो स्निग्ध रुक्ष कैटेगरी में आते हैं। और षष्टिकशाली पिंड स्वेद है मांस पिंड स्वेद है वाष पिंड स्वेद है या कुलत्थ पिंड स्वेद है ये सभी जो है ये भ्रूण कैटेगरी में या संतर्पण कैटेगरी में इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नाड़ी स्वेद जो हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं ज्यादातर क्लिनिक्स में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इट इज डन बाय यूजिंग वेपर्स ऑफ बॉइलिंग कषाय इन वेसल थ्रू नाड़ी। इसमें कुकर में जाता है और उसमें से जो वाफ आती है या वेपर जो आता है उसके सहाय से हम लोग स्वेदन कराते हैं उसको नाड़ी स्वेद बोला गया है थ्रू नाड़ी। कॉमनली यूज कषाय इसमें जो रहता है वो दशमूल रहता है वो वैदिक के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बदल सकते हैं। ये नाड़ी स्वेद जो है वो कंट्रोल स्वेद है उसकी इंटेंसिटी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम स्वेदन करते हैं तो उसमें अपना एक हाथ जो है वो पेशेंट के शरीर अवयव के ऊपर रखना चाहिए पहले और अपने हाथ के ऊपर डॉर्सम ऑफ हैंड के ऊपर उसकी वेपर्स की जो टेम्परेचर है वो पहले चेक करना चाहिए और उसके बाद ही वो पेशेंट के शरीर को लगना चाहिए ताकि ज्यादा गर्माहट ना हो और उससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो जैसे कि बर्न हो या बर्निंग सेंसेशंस हो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए ये हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वाली चीजें है। इसके इंडिकेशन जो है ये गुरुद्रसी में पृष्ठशूल में मन्याशूल में अर्धित पक्षाघात ऐसे अवस्थाओं में इसका उपयोग करते हैं। वैसे ही नस्य के करने के पहले और बस्ती करने के पहले भी इसका नाड़ी स्वेद का हम लोग उपयोग करते हैं। नस्य में मुख प्रदेश में नाड़ी स्वेदन देने के लिए इसका उपयोग करते हैं और बस्ती में उदर पृष्ठ कटी और पादक में अभ्यंग पश्चात स्वेदन के लिए नाड़ी स्वेद का उपयोग किया जाता है। नाड़ी स्वेद के जो द्रव्य है ये चरक संहिता में जो आया है कि ग्राम्य अनुपोदक मांस जैसे कि मांस रसों का भी वर्णन किया गया है उसमें हम लोग कषाय ही नहीं मांस रस का भी उपयोग कर सकते हैं शीरपाक का भी वर्णन कर सकते हैं और बहुत सारे द्रव्य दिए हैं वारुण अमृता वासा शोभाजन ये सभी चीजें इसमें हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। नाड़ी स्वेद का ही एक डिफरेंट पार्ट या मॉडिफाइड पार्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं इसको शिरोधूम बोला गया है। शिरोधूम भी नाड़ी स्वेद का ही एक प्रकार है। इसमें क्या करते हैं कि जो द्रव्य रहता है द्रव द्रव्य ये शीर पाक रहता है इसमें बलामूल कषाय का शीर जो है इसका उपयोग किया जाता है इसलिए इसको शिरोधूम बोला गया है। इसमें जो वेपर्स आते हैं या जो धूम आते हैं वो शीर के सहाय से आते हैं इसलिए उसको शिरोधूम बोला गया है। इन शिरोधूम इसमें जो है स्टीम इज जनरेटेड बॉइलिंग मिल्क एंड बलामूल दशमूल या वचाक्वर अकॉर्डिंगली टू द कंडीशन मतलब जो अवस्था है या जो व्याधि है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वो जो द्रव्य द्रव्य है उसका उपयोग कर सकते हैं। ये जब देते हैं तो हमेशा उसके वेपर जो है ये मुंह खुला करके रुग्ण को बोलना है कि उसको वेपर जो है आते हैं उसको हमेशा इनहेल करना चाहिए उसको मुंह बंद नहीं करना है जब स्वेदन कराते हैं। ये स्वेदन कराते समय जब तक पूरे चेहरे को या पूरे मुख प्रदेश में जब तक स्वेदन ना हो तब तक ये कंटिन्यू करना चाहिए। इसके इंडिकेशन जो है अर्धित अवस्था में जीवास्तंभ है फेशियल पाल्सी है अनुस्तंभ है स्वरभंग है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया मास्टराइटिस ऐसी कंडीशंस में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अवगाह स्वेद का वर्णन ये एक बेसिकली द्रव स्वेद का भेद है। द्रव स्वेद में दो प्रकार आते हैं तो अवगाह स्वेद और परिशेक स्वेद।
इसको हम लोग बोली भाषा प्रैक्टिकली टब बात भी ऐसा बोला गया है। इसमें कषाय द्रव्य यूज कर सकते हैं, तैल द्रव्य यूज कर सकते हैं, क्षीर द्रव्य यूज कर सकते हैं, गोमूत्र या कांजी इन सभी का उपयोग कर सकते हैं। ये ज्यादातर पित्त अनुबंधी कंडीशन जहाँ पे है, मूत्राश्वरी है, अर्श है, ऐसे अवस्थाओं में इसका उपयोग करते हैं। कटिशूल, पृष्ठशूल जो है यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। परिशेक्ष्वेद, परिशेक्ष्वेद मतलब कायसेक या पिजिनचिल, जब उसको सर्वांग करते हैं तो उसको पिजिनचिल बोला गया है, और अगर एकांग रहता है तो उसको हम लोग परिशेक्ष्वेद भी बोल सकते हैं। इसमें भी जल, कषाय, क्षीर, स्नेह में तैल या भूत, गोमूत्र, कांची, तक्र इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि परिशेक्ष्वेद जो है वो जो इच्छित शरीर अंगावय पे जहाँ पे कर रहे हैं उसके ऊपर से 10-12 अंगुल हाइट के ऊपर से उसमें धारा छोड़नी चाहिए, और वो स्पॉन्ज के सहाय से या कोई कपड़ा लेके या कोई धारा पात्र लेके उसको ऊपर से गुनगुना है या कोशना होके उसको हमेशा छोड़ना चाहिए। डिफरेंट वराइटीज ऑफ कायसेक मतलब कौन कौन से द्रव्य, कौन कौन से व्याधियों में इसका उपयोग में ला सकते हैं, यहाँ पे इन शॉर्ट बताया गया है। तैल धारा जो है वो पक्षाघात, कंपवात में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। धान्य अम्ल धारा जो है वो आमवात, एंक्यूलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में यूज कर सकते हैं। क्षीर धारा जो है वात रक्त, पेरिफेरल न्यूराइटिस, ऐसे अवस्थाओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। गोमूत्र धारा जो है वो आमवात, कटिग्रह, एंक्यूलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे अवस्थाओं में, ऐसे व्याधियों में इसका उपयोग कर सकते हैं। कषाय धारा जो है वो कफ संश्लिष्ट व्याधियों में इसका उपयोग कर सकते हैं। तक्र धारा जो है वो सोरायसिस, इंसोमनिया में, निद्रानाश जहाँ पे है ऐसी अवस्थाओं में इसका उपयोग करते हैं। चिंसा धारा जो है ये भी आमवात, कटिग्रह, इसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। उपनहास वेद जैसे बोला कि इसको बैंडेजिंग या पोल्टिस ऐसे बोलता है, इसमें वातहर द्रव्य का उपयोग करके उसके ऊपर से एरंड पत्ता हो या अर्क पत्ते है इसका ऊपर से उसको लेप करके उसको बांधने में उपयोग किया जाता है। यह हमेशा 12 घंटा रखना चाहिए, या अगर सुबह में बांधा है तो उसको रात में निकालना है, और रात में बांधा है तो उसको सुबह में निकालना है। पित्तानुबंधी वात व्याधियों में काकुल्यादिगण जो है, पद्मकादिगण जो है, वाग्भट में मेंशन किए हुए सूत्रस्थान 15वें अध्याय में उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। कफानुबंधी वात व्याधियों में सुरसादिगण का उपयोग कर सकते हैं। इसके इंडिकेशन जो है कि अत्यंत रुझा प्रदान मतलब तीव्र शूल जहाँ पे है, संधि स्तब्धता है, संधि शोट है, ऐसी अवस्थाओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। आर्थराइटिस है, बर्साइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है, जॉइंट डिफ्यूजन है, शोल्डर सबलक्सेशन है, ऐसी अवस्थाओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। बाष्पस्वेद जो हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं हर के क्लिनिक में हमारे यहाँ पे होते ही है, एक तो उसको पेटिस्वेद भी बोला गया है, सिटिंग पोजीशन में भी दिया जा सकता है या लाइंग डाउन पोस्चर में भी दिया जा सकता है। ये करते समय हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अमल की तलम का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब एंटेरियर फाउंटेनल जो है वहाँ पे अमल की या मुस्ता का लेप करना चाहिए चूर्ण का, ताकि जो शरीर में उस गर्मी जो हीट प्रोडक्शन रहती है उससे शिरा प्रदेश में या मस्तुलुंग का उसकी वजह से कोई इफेक्ट ना हो, उसके लिए अमल की तलम एंटेरियर फाउंटेनल में करने के लिए बोला गया है। उसमें हमेश्वर ध्यान में रखना चाहिए कि ललाट स्वेद जब तक नहीं आता है तब तक पेशेंट को पेटी स्वेद में रखना चाहिए। ललाट स्वेद जब आता है तो पेशेंट को वहां से निकालना चाहिए। प्रैक्टिकली देखा जाता है कि 10-15 मिनट में पेशेंट को स्वेदन आता है, अगर इससे ज्यादा अगर पेशेंट स्वेदन लेता है तो उसमें फेंटिंग है, गिडीनेस है, चक्कर आना है, ये सब चीजें हो सकती है कॉम्प्लिकेशन। तो इसको अवॉइड करने के लिए ललाट स्वेद जो है जो लक्षण है उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके बेनिफिट जो है वो परसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म हीटिंग होती है थ्रू आउट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ये भी पूर्व कर्म में इसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। ये त्वक मार्दवता उत्पन्न करता है और ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है प्रैक्टिकली देखा जाए तो। इसका मोड ऑफ एक्शन हम लोग देखेंगे शॉर्टली। स्वेट मैकेनिज्म जो है वो थर्मोरेगुलेशन इन हॉट टेम्परेचर, वार्म ब्लड, इसके रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस में रहते हैं तो इसको इंड्यूस करके सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होके स्वेट इंड्यूस होता है, स्वेद जनन होता है। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, इससे क्या होता है कि इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर स्वेदन से, उससे इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटीज होती है।
एफिनेफ्रिन नॉन एफिनेफ्रिन थायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं. इट अगेन इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट एंड स्टिम्युलेट लाइपोलाइसिस. सो इंक्रीज डिमांड ऑफ O2 एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. मतलब ये जो मल निर्हरण का कार्य है या आमदोष का निर्हरण का कार्य है जो है, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट होने की वजह से मल दोष का निर्हरण होता है. वैसोडायलेशन दिखाई देता है स्वेदन के पश्चात. इसको हम लोग स्रोतोमार्ग विशोधन है या स्रोतोमार्गों का जो अवरोध हुआ है उसका दूर करने के लिए इसका हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं. कैन बी कोरिलेटेड विद स्रोतोमुख विशोधन. नेक्स्ट आता है स्टिम्युलेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड. जैसे पहले बोला कि इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इट स्टिम्युलेट स्वेट ग्लैंड्स वाया हाइपोथैलेमिक एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व. इंक्रीज स्वेट प्रोडक्शन, मोर वेस्ट रिमूवल. स्वेद जनन और मल निर्हरण का कार्य इसमें दिखाई देता है. पॉइंट्स टू रिमेंबर शॉर्टली कि हमेशा स्वेदन जो है अभ्यंग के पश्चात ही करना चाहिए. मृदु स्वेद जो है वो हमेशा हृदय, वृषण और नेत्र में देना चाहिए. मध्यम स्वेदन जो है वो वक्षण प्रदेश में देना चाहिए. महान स्वेद जो है वो सभी अंगावयव को शाखा पुष्ट यहाँ पे दे सकते हैं, उदर प्रदेश में, उर प्रदेश में. उसके हमेशा अमल का तालम का उपयोग करना चाहिए. स्वेदन जो है वो पित्त प्रकृति क्लेद प्रधान अवस्थाओं में जैसे कि कुष्ठमेह में इसका अवॉइड करना चाहिए. हमेशा पोर्टली जब पिंड स्वेद करते हैं तो हमेशा चेक उसका टेम्परेचर करना चाहिए ताकि उसकी वजह से पेशेंट के शरीर पे कोई बर्न ना हो और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो. और हमेशा शीतशूल और स्तंभ गौरव ये सभी लक्षणों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि उसमें कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं. कम हो रहे हैं तो अपना स्वेदन का जो कार्य है वो अच्छी तरह से हो रहा है, यह हमें समझ में आता है. और मेनली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि ललाट स्वेद, ये प्राइम सिम्टम है या ये चेकिंग सिम्टम है कि स्वेदन अपना सम्यक रीति से हो रहा है. सम्यक स्वेदन के लक्षण जो बोले गए हैं कि स्तंभ गौरव निग्रह जो होता है, फिर शीतशूल का नाश होता है, व्याधि का नाश होता है, त्वक मार्दता आती है. ये चरक सूत्र स्थान 14 अध्याय में भी आया है और सुश्रुत चिकित्सा स्थान 32 अध्याय में भी इसका वर्णन किया गया है. स्वेद प्रयोग के सिद्धांत जो है ये हम लोग देखेंगे शॉर्टली कि हमेशा स्वेदन का प्रयोग जो है वो रोग की अवस्था, ऋतु सापेक्षता, व्याधित अपेक्षो मतलब रुग्ण बल, इसके अपेक्षा से नाति उष्ण और नाति मृदु द्रव्यों के साथ स्वेदन का हमेशा प्रयोग करना चाहिए. ऋतु में, शीत ऋतु में हमेशा महान स्वेद देना चाहिए, उष्ण ऋतु में कम स्वेद या मृदु स्वेद देना चाहिए. अवस्थानुरूप स्वेद, जैसे कि बोला कि अगर व्याधि, शीत और शरीर ये सभी महान है, मतलब व्याधि भी बलवान है, शैत्य भी है और शरीर भी बलवान है, तो ऐसी अवस्थाओं में हमेशा महान स्वेद देना चाहिए. ये सभी अगर दुर्बल है तो उसमें दुर्बल स्वेद या हीन स्वेद देना चाहिए, मृदु स्वेद देना चाहिए. और ये सभी अगर मध्यम है तो इसमें मध्यम स्वेद देना चाहिए. दोषानुबंध के अकॉर्डिंगली भी बोला गया है कि वातश्लेष्मज अवस्था में स्निग्ध रुक्ष स्वेद देना चाहिए, वातज अवस्था में हमेशा स्निग्ध स्वेद देना चाहिए, कफज अवस्थाओं में हमेशा रुक्ष स्वेदों का उपयोग करना चाहिए. यही यहाँ पे देखा है कि दोष विशेष स्वेद विशेष उपयोग. सुश्रुत चिकित्सा स्थान 32 अध्याय में जो बोला गया है कि ताप उष्ण स्वेद जो है वो सभी कफ प्रधान दोष अवस्था है या कफ प्रधान व्याधि है, ऐसी अवस्थाओं में इसका उपयोग करना चाहिए. उपनास स्वेद जो है वो वातग्न अवस्थाओं में जहाँ पे वातग्न कार्य करने वाला रहता है, इसलिए वात प्रधान दोष जहाँ पे है, वातज व्याधि है, केवल एकांतिक वात व्याधि है, ऐसे अवस्थाओं में इसका उपयोग करना चाहिए. पित्त संसृष्ट अवस्था जहाँ पे है वहाँ पे द्रव स्वेद जैसे कि अवघा स्वेद है, परिषेक है, इसका उपयोग करना चाहिए. और रोल ऑफ स्वेदन इन ट्रीटमेंट, हम लोग अगर स्वेदन स्नेहन के साथ या स्निग्ध द्रव्यों के साथ करते हैं तो वो हमेशा भ्रमण करने वाला रहता है. और यही स्वेदन अगर हम लोग रुक्षण द्रव्यों के साथ या रुक्ष द्रव्यों के साथ उपयोग में लाते हैं तो वो लंघन करने वाला रहता है. ये जो है की पॉइंट्स है, ये हमेशा ध्यान में रखिए. टू कंक्लूड दिस विल बी, ये हमेशा स्वेदन कहाँ पे करना है उसके अकॉर्डिंग के साथ हमें प्रोसीजर का भी नॉलेज उतना होना चाहिए. और फिजिशियन के पास हमेशा चॉइस रहता है कि कौन से व्याधि में शरीर की अवस्था क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग द्रव्य का उपयोग
नियोजन कर सकते हैं, जैसे कि दशमूल लेना है, एरंड मूल द्रव्य लेना है, निर्गुण्य लेना है या अर्कपत्र लेना है, ये सभी चीजें फिजिशियन के ऊपर मतलब वैद्य के ऊपर दोष दुष्य की समूर्छना जान जान में या ध्यान में रख के उसको युक्ति प्रमाण से हम लोगों को उसको उपयोग में लाना चाहिए। और क्लासिकल प्रोसीजर्स कैन बी मॉडिफाइड विदाउट अल्टरिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स टू गेट बेटर रिजल्ट्स साइंटिफिकली। जैसे कि हम लोगों ने शिरधूम में देखा कि शिरधूम भी जो है टेक्निक है, ये नाड़ी स्वेद की ही एक मॉडिफाइड टेक्निक बोल सकते हैं हम लोग, जिसमें खाली जो द्रव्य इस्तेमाल किया है, कषाय द्रव्य जो है उसमें वला मूल क्षीर यूज करते हैं, दशमूल क्षीर यूज करते हैं या वचा सिद्ध क्षीर यूज करते हैं, तो वो हम लोग अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर पेशेंट लिसनिंग एंड थैंक यू डॉक्टर पूजा मैडम एंड निरोग स्ट्रीट फॉर प्रोवाइडिंग मी सच एन प्लेटफॉर्म टू शेयर माय व्यूज एंड थॉट्स ऑन स्वेदन थेरेपी। थैंक यू एवरीवन। Are there any questions? हेलो डॉक्टर, कुछ क्वेश्चन है हम ले सकते हैं क्या? हाँ यस मैडम यस। आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो कन्वीनियंट हो जाएगा अटेंडेंस के लिए भी पार्टिसिपेंट्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक डॉक्टर पूछ रही है कि स्नेहन जो है हर इस स्नेहन नेसेसरी बिफोर एवरी स्वेदन कर्मा, इस स्वेदन स्नेहन जरूरी है हर स्वेदन कर्म से पहले? ज्यादातर जहाँ पे वात व्याधि है, एकांतिक वात अवस्था है, वहां पे हमेशा स्नेहन करके स्वेदन करना चाहिए। और जहाँ पे कफ प्रधान अवस्था है, आम प्रधान अवस्था है, ऐसे अवस्थाओं में हम डायरेक्टली रुक्ष स्वेद या डायरेक्ट बाष्प स्वेद भी दे सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे ग्रह है, आमवात अवस्था है, वहां पे स्नेहन टोटली वर्ज बोला गया है, वैसे अवस्थाओं में हम लोग वालुका पोटली स्वेद डायरेक्टली स्नेहन किए बिना या अभ्यंग किए बिना इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्वेदन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन मुखदूषिका एज कंसीडर्ड इन शुद्र कुष्ठ, तो वो मुखदूषिका में भी हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड समझते हैं इसको स्वेदन? ऐसा स्पेसिफिक उल्लेख नहीं है कि स्वेदन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है मुखदूषिका में, लेकिन अगर उसमें पस फॉर्मेशन है या तो उसमें हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए ताकि क्लेद वृद्धि ना हो ज्यादातर, नहीं तो उसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। ऐसा कुछ उल्लेख आता है कि मधुमेह में स्वेदन निषिद्ध है, तो ऐसा क्यों है, उसके पीछे क्या सिद्धांत हम लें? स्वेदन जैसे मैंने पहले बोला कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में मैंने एक चीज बोली थी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की स्लाइड में, जहां पे क्लेद प्रधान संप्राप्ति रहती है या कफ प्रधान संप्राप्ति जहां पे होती है, वहां पे कोत प्रधान संप्राप्ति जहां पे रहते हैं, जैसे कि प्रमेय है उसमें बहु द्रव और बहु क्लेद संप्राप्ति रहती है, इसलिए वहां पे ज्यादातर स्वेदन का इंडिकेशन डायरेक्ट नहीं बोला गया है, वहां पे निराग्नि स्वेदों का वर्णन किया गया है, प्रमेय हो, मधुमेह है, सुश्रुत में व्यायाम के बहुत सारे प्रकार बोले गए हैं, वो जो सभी व्यायाम है वो सभी हम लोग निराग्नि स्वेद के अकॉर्डिंगली उसको बोल सकते हैं, अग्निस्वेद की जगह पे हम लोग निराग्निस्वेद का प्रयोग कर सकते हैं उसमें। ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिरस्वेद जो है उसका इस्तेमाल जो है वो आम अवस्था में किया जा सकता है क्या? पार्डन मैडम, समझ में नहीं आया क्वेश्चन। शिरस्वेद जो है वो आम अवस्था में किया जा सकता है क्या? शिरधूम के बारे में पूछ रहे हैं क्या? जी जी, शिरधूम जो है वो आम अवस्था में भी कर सकते हैं, वो ज्यादातर जो है बेसिकली नाड़ी स्वेद का ही उल्लेख जहाँ पे है, वहां पे जीवा स्तंभ है, अर्दित है, ऐसे अवस्था में जहाँ पे
उपयोग में ला सकते हैं, जहाँ पे वाक ग्रह है, कफानुबंध है, ऐसे अवस्था में इसका उपयोग कर सकते हैं। आम प्रधान अवस्था में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, जहाँ पे कफानुबंध है ऐसे अवस्थाओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, चूर्ण पिंड स्वेद के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या हमें? चूर्ण पिंड स्वेद, चूर्ण पिंड स्वेद जो है, जैसे कि बोला गया है कि पिंड जो है वो बोलस फॉर्म में रहता है, तो उसमें कौन से द्रव्य इस्तेमाल करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको बोला गया है। चूर्ण पिंड स्वेद में जैसे कि बोला गया है कि कोट्टम चुक्कादि चूर्ण है, कोलकुलत्तादि चूर्ण है, उसको एक पोटली बनाते हैं उसकी, और उसको डायरेक्ट पैन पे उसको हीट करते हैं। अगर रुक्ष स्वेद देना है तो उसको डायरेक्ट पैन पे हीट करते हैं, और वो जो हीट पोटली है वो गरम गरम वो जहाँ पे शरीर में जहाँ पे स्वेदन कराना है वहाँ पे उसको लगाया जाता है। जैसे कि शूल प्रधान अवस्था है, आम प्रधान, श्रोत प्रधान अवस्था जहाँ पे है, जहाँ पे ग्रह है ज्यादा, स्टिफनेस है, ऐसे अवस्थाओं में इसका उपयोग किया जाता है। यह रुक्ष चूर्ण पिंड स्वेद में होता है। और अगर स्निग्ध चूर्ण पिंड स्वेद करना है तो उसके पहले रुग्ण को अभ्यंग कराया जाता है, और उसके बाद वो चूर्ण पोटली का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो पैन में ऑयल ले सकते हैं हम लोग, जिससे हम लोग स्निग्ध स्वेद, जैसे कि सहचर तेल है, मुरीवेन्ना तेल है, उसका इस्तेमाल हम लोग स्निग्ध चूर्ण पिंड स्वेद के लिए कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट एक लास्ट सवाल लेंगे हम, कैन वी यूज महानारायण तेल फॉर आमवात बिफोर स्वेदन? आमवात में स्पेसिफिकली स्नेहन वर्ज्य ही बोला गया है। अगर आम प्रधान अवस्था है तो उसमें अभ्यंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब आमवात की जीर्ण अवस्था आती है जिसमें वात वृद्धि ज्यादा होती है, तो ऐसी अवस्था में हम लोग अभ्यंग करके स्वेदन कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग महानारायण तेल है, सहचर तेल है, विषगर्भ तेल है, इन तेलों का भी उपयोग कर सकते हैं। आई थिंक इट्स टाइम टू कंक्लूड द सेशन। थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड थैंक्स टू डॉक्टर अमित। Thank you. Thanks for joining. Yeah. Thank you, madam.